एफआईआर के मुताबिक एक कंक्रीट ब्लॉक टकराया है। ऑफ रिकॉर्ड रेलवे के अधिकारी ये बता रहे हैं कि इस कंक्रीट ब्लॉक का वजन काफी ज्यादा है। इसमें एक से ज्यादा व्यक्तियों के शामिल होने का शक भी है कि एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता ये कि एक ने इस तरह से कंक्रीट का ब्लॉक जाकर रख दिया हो। इसमें एक से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं, ये संकेत मिल रहे हैं। और मालगाड़ी से कॉन्क्रीट ब्लॉक टकराकर दो हिस्से में बट गया, फिर ये उसके टुकड़े कई जगह फैले हुए दिखाई दे रहे हैं और एफआईआर में ये बात सामने आई है। हमारे साथ इस घटना पर और ज्यादा तफसील से जानकारी देने के लिए ध्वज आर्या जुड़ चुके हैं। ध्वज, क्या जानकारी मिल रही है? इसमें एफआईआर तो दर्ज हो गई है लेकिन अब मौके पर टीम पहुंचेगी, सबूत इकट्ठा करने की कोशिश होगी। ध्वज से संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं दोबारा संपर्क करने की, लेकिन एफआईआर जो हुई है इस घटना को लेकर इसमें साफ तौर पर मेंशन है कंक्रीट ब्लॉक टकराया है और 100 किलो का ये कंक्रीट ब्लॉक है, सोचिए कितना वजनी है, और ये रेलवे ट्रैक पर रखा हुआ था। अब सवाल है राजस्थान में ट्रेन डीरेल की साजिश को लेकर, क्योंकि अब 10 सितंबर की यह घटना जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, अजमेर ट्रैक पर सीमेंट ब्लॉक के बारे में जानकारी सामने आ चुकी है। मामले की तफ्तीश के बारे में भी हमारे सहयोगी हमें बताएंगे। लेकिन इस बीच 23 अगस्त जहां पाली में सीमेंट ब्लॉक से वंदे भारत टकराई, 28 अगस्त 12 मालगाड़ी ट्रैक पर बाइक का स्क्रैप फेंका गया और यही वजह है कि इस पूरे मामले को देखते हुए जिस तरीके से साजिश को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमें बता रहे हैं कि आखिर पूरे मामले को देखते हुए किस तरीके से इन्वेस्टिगेशंस का भी दायरा बढ़ता जा रहा है। और कुमार कुंदन इस वक्त और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, इस मामले में जो अजमेर वाला मामला है, इस मामले में अब सबूत इकट्ठा करने की कोशिश होगी, आज क्या क्या हो सकता है, जानकारी एक बार फिर से लेने की कोशिश करेंगे। कुमार से संपर्क फिर से टूटा है हमारा। और इस मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र है कि ये बहुत ज़्यादा वजनी कंक्रीट का ब्लॉक रहा जो रखा गया था और जैसे ही ट्रेन का इंजन टकराता है या ट्रेन टकराती है, रेलवे ट्रैक पर रखा हुआ था और जैसे ही टकराती है उसके बाद ये दो हिस्सों में बट जाता है, कई हिस्सों में बट जाता है, जिसकी अब छानबीन की जाएगी और इस पूरे मामले पर तह तक जाने की कोशिश होगी कि आगे ये किसका काम हो सकता है, किसकी साजिश हो सकती है और रेलवे ट्रैक्स को बार बार क्यों निशाना बनाया जा रहा है, क्यों यहाँ पर इस तरह की साजिश रची जा रही है कि कुछ रेलवे ट्रैक्स पर रखा जाता है। जो तस्वीर हम कानपुर से भी आपको दिखा रहे हैं ये भी तस्वीरें चौंकाती है, जब गैस सिलेंडर रखा गया था रेलवे ट्रैक पर कुछ ही दूरी पर, इसी रास्ते पर, इसी रूट पर, और अब राजस्थान के अजमेर में भी कुछ इसी तरह की घटना होती है, रेलवे ट्रैक्स को स्पेसिफिक निशाना साधा जा रहा है, यहाँ पर निशाना लगाया जा रहा है कि रेलवे ट्रैक्स को नुकसान पहुंचाया जाए। कुमार कुंदन एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। कुमार, इस घटना को लेकर, राजस्थान की जो अजमेर की घटना है, इस मामले में आज क्या क्या हो सकता है? कुमार, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल, आवाज आ रही है। इस घटना को लेकर, अजमेर की घटना को लेकर आज क्या हो सकता है, क्या सबूत इकट्ठा करने जाएगी टीम मौका है घटना पर? कर रहे थे उस वक्त उनको ब्लॉक मिला। आएंगे आपके पास दोबारा, लेकिन ये घटना बड़ी है और इस मामले में आज जो सबूतों की कोशिश है जुटाने की वो कोशिश होगी, जो जांच एजेंसियां इसमें लगेंगी, ये आखिर क्यों सामने आया इतना बड़ा कंक्रीट का ब्लॉक, कैसे रख दिया गया, किसके जरिए रखा गया, कितने लोग इसमें इन्वॉल्व रहे, ये सब अब जांच का विषय है। आपको बता दें इससे पहले कल रेलवे ट्रैक पर दो और हादसे टल गए। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में ऋषिकेश एक्सप्रेस ट्रेन के आगे बाइक में आग लग गई, जबकि एमपी के इटारसी में ट्रैक पर ट्रैक्टर मिला। रेलवे ट्रैक पर ट्रैक्टर यानी हादसे को न्योता, ये तस्वीरें इटारसी की हैं, जहां जबलपुर रेलवे लाइन पर कल बड़ा हादसा होते होते बच गया। बताया जाता है कि लोको पायलट ने सूझबूझ नहीं दिखाई होती तो हादसे को टालना मुश्किल था। इटारसी जबलपुर रेलवे लाइन पर गुरुमखेड़ी ग्राउंड के पास कुछ लोग एक ट्रैक्टर लेकर रेलवे ट्रैक पर आ गए। ट्रैक्टर का पहिया ट्रैक के बीच फंस गया। ट्रैक्टर के रेलवे लाइन पर आते ही सोमनाथ एक्सप्रेस भी आ पहुंची। बड़ी बात यह है कि आसपास रेलवे क्रॉसिंग नहीं है, फिर भी ट्रैक्टर रेलवे ट्रैक पर आ गया, जिसकी वजह से करीब एक घंटे तक ट्रैक बाधित रहा। ट्रैक्टर के निकलने के बाद देखिए, रेल आगे बढ़ी और ट्रैक्टर झाड़ियों से होते हुए बाहर निकला।
राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के कपासन की ये तस्वीरें हैं। बताया जाता है कि कपासन भूपाल सागर स्टेशन के बीच निर्माणाधीन अंडर ब्रिज के पास एक हादसा हुआ। अंडर ब्रिज संख्या 25 के पास रेल पटरी पार करते समय उदयपुर की ओर से ट्रेन आ गई। ट्रेन को देखते ही बाइक सवार अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर भाग निकला, जिसके बाद ट्रेन के इंजन में बाइक फंस गई और करीब 800 मीटर तक घिसटती गई, जिससे बाइक में आग लग गई। इसके बाद 20 मिनट तक ट्रेन रुकी रही। लेकिन इन सब घटनाओं से सवाल उठता है कि क्या देश में अब रेल जिहाद करने की तैयारी है? कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने की कोशिश के बाद ये सवाल अब सबसे बड़ा है। कानपुर में रेलवे ट्रैक पर रखे गैस सिलेंडर से ट्रेन टकरा गई। लोको पायलट की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। घटनास्थल से एक बोतल में पेट्रोल और एक बैग में सफेद पाउडर भी मिला। इससे पहले गोंडा और कानपुर में ट्रेन पटरी से उतर चुकी है, तो क्या इसके पीछे कोई आतंकी साजिश है? रेल मंत्रालय को ऐसा ही लगता है। यूपी एटीएस चीफ नीलाब्जा चौधरी के मुताबिक एटीएस की टीम ने ट्रैक का मुआयना किया, जहां गैस सिलेंडर और बोतल में पेट्रोल मिला। उसी जगह पर कन्नौज के सियाराम मिठाई वाला बैग भी मिला। यूपी पुलिस की टीम कन्नौज के सियाराम मिष्ठान भंडार भी पहुंची और दुकानदार से पूछताछ की। बहरहाल यूपी एटीएस ने दो हिस्ट्री शीटर समेत 10 लोगों को हिरासत में लिया है। कानपुर के मुंडेरी में जिस जगह पर गैस सिलेंडर मिला है वो जीटी रोड से महज 100 मीटर की दूरी पर है। ट्रैक के एक तरफ हिंदुओं का गांव है तो दूसरी ओर मुस्लिम बस्ती। एक बात और गौर करने वाली है, रविवार की शाम 5:16 पर 150-38 कासगंज कानपुर अनवरगंज इंटरसिटी यहां से गुजरी थी। इसके ड्राइवर ने कुछ भी असामान्य रिपोर्ट नहीं की थी। कालिंदी एक्सप्रेस के गुजरने से पहले ये आखिरी ट्रेन थी।